हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ और बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये। देखिए, ये केवल इन दो रो में डिज़ाइन पड़ता है और बाकी के चार रो हमारी सिंपल भी नहीं जाती हैं। तो ये आप चाहे तो आप सिंगल कलर में भी डाल सकते हैं और डबल कलर में भी डालेंगे तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आप इसे स्वेटर में अप्लाई कर सकते हो, कैप में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करोगे ये बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत आसान है बनाना। ये इस तरीके से लुक आ रहा है इसका, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें इवन नंबर में फंदे लेने हैं। इवन नंबर मतलब जैसे 2, 4, 8, 10 या 22, 24, 26, ऐसे फंदे लेने हैं तो ये डिज़ाइन हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन मैं आपको 20 फंदों में डाल के दिखा रही हूँ। कि फर्स्ट रो है हमारे डिज़ाइन की, पहली सिलाई है, सीधी तरफ है तो हम इसको पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले चार रो हमें ऐसे ही बनानी है, सीधी उल्टी। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे सीधी तरफ से। अब दूसरी सिलाई है हमारी, इसको हम पूरा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड से है तो इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम उल्टा बिनते ही हैं वैसे ही बिनेंगे इसमें। अब थर्ड रो में है हम, तीसरी सिलाई है हमारी सीधी तरफ से, इसको हम पूरा सीधा बिन लेंगे। तो इस सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब फोर्थ रो है हमारी, चौथी सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बिन लेंगे। तो ये सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये चार रो हमने सीधी उल्टी बिनते हुए कंप्लीट कर ली है। अब दो रो में हमारा डिज़ाइन पड़ेगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अब ये सीधी तरफ है, पांचवी सिलाई है हमारी डिज़ाइन। अब ये एक एज स्टिच है, इसको हमने स्लिप करा ऐसे सीधे में। उसके बाद ये रो हमारी, हमें उल्टी बिननी है, सीधी तरफ है हमारी, तो धागे को आगे की तरफ करेंगे। अब ये यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो एक फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है और एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। तो ये दो फंदों का डिज़ाइन था। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। एक फंदा इसे स्लिप करा, एक फंदा उल्टा बिना। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक फंदा हमने स्लिप करना है और एक फंदा हमने उल्टा बिनना है। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब ये लास्ट का एक फंदा एज स्टिच है क्योंकि, तो धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बिन लेंगे। ये इस तरीके से आ जाएगा इसके बाद। अब छठी रो है हमारी, रॉन्ग साइड है। इसमें देखिए, एक फंदा ये एज स्टिच है तो हमने ऐसे स्लिप करा इसको। उसके बाद ये हमारा, यहां से देखिए, ये हमने बिना था फंदा तो इसको हम इस उल्टा बिनेंगे। तो ये एक फंदा उल्टा हुआ, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये हमने जो स्लिप करा था, जो हमने बिना बिना ऐसे ही उतार लिया था, इस फंदे को हमें सीधा बिनना है। तो ये फंदा सीधा हो गया, धागा आगे करेंगे। फिर ये बिना हुआ फंदा है, इसको उल्टा बिना, धागा पीछे करेंगे। ये हमने पिछली सिलाई में नहीं बिना था तो इस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा स्लिप करा हुआ फंदा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको नहीं बिना है, ये हमारा स्लिप करा हुआ फंदा है, इसको हम सीधा बिनेंगे। तो इसको धागा पीछे करके इसको हम इस तरीके से सीधा बिनेंगे। इस पे बस यही ध्यान देना है आपको, जो हमने स्लिप करा है फंदा उसको हमें सीधा बिनना है। ये देखिए, एक उल्टा एक सीधा। अगर आप शुरू में ठीक पकड़ लेंगे इसको तो ये पूरी सिलाई एक उल्टा और एक सीधा बिनते हुए कंप्लीट हो जाएगी। ये स्लिप करा हुआ फंदा है, इसको सीधा। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब ये एज स्टिच है तो ये उल्टा ही भी नहीं जाएगी। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। ये इन्हीं 6 रो का डिज़ाइन है, ये इस तरीके से आ रहा है। देखिए,
अब इन्हीं छह रो को आगे हम रिपीट करते जाएंगे, तो जब आप इस छह रो को रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए ऐसे आएगा। थैंक यू।